छह साल चली लंबी बातचीत के बाद अब भारत और जापान के बीच सिविल परमाणु समझौता हो गया है। जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो अबे के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जहां दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते के गवाह बने। साथ ही इस दौरान टेक्सटाइल, संस्कृति, खेल, आउटर स्पोर्ट के क्षेत्र में भी कई अहम डील पर करार हुआ है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान ने किसी ऐसे देश से डील की है जिसने NPT पर साइन नहीं किए हैं। भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं है, जिसे लेकर यह समझौता दोनों देशों के बीच काफी वक्त से अटका हुआ था। 2008 से ही सिविल परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद बात नहीं बनी। कुछ दिनों के गतिरोध के बाद इस मुद्दे को लेकर फिर से बातचीत शुरू हुई, लेकिन जापान में विरोध के स्वर कम नहीं हो रहे थे। 2014 से इस मुद्दे को लेकर दोनों देश काफी गंभीर हुए, बातचीत का दौर चला और आखिरकार मोदी और अबे ने सारी दूरियों को खत्म करते हुए इसे समझौते के द्वार तक पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि भारत अब तक अमेरिका समेत कई देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है, लेकिन जापान से डील इसलिए खास है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी प्लांटों में सेफ्टी के लिहाज से जापान के इंतजामों को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जरूरतों को एक दिशा दे सकती है। साथ ही साथ भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर के महत्वपूर्ण भागों का निर्माण जापानी कंपनियां करती हैं और भारत इसके लिए उन पर निर्भर भी है। तो आखिरकार भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक डील पर मुहर लग गई है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब NSG के सलाहकार समूह वियना में होने वाली बैठक में non-NPT देशों को NSG में शामिल करने के लिए 2-स्टेज प्रक्रिया का प्रस्ताव दे सकते हैं। इससे भारत जैसे देशों का समूह में शामिल होना आसान हो जाएगा। देखते रहिए DB Live।